हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल इन गुड हेल्थ। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल ऑफ EVS ऑफ क्लास 5, बुक आर एनवायरनमेंट बाय फ्रैंक पब्लिकेशंस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों के हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। और इसके अलावा क्या फाइंड आउट करेंगे कि लोग कैसे फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, व्हाट इज़ डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन का ट्राइबल पीपल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, व्हाट डिड द पीपल डू टू सेव देयर फॉरेस्ट, क्या क्या किया था लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए, और कुछ फॉरेस्ट को अब नेशनल पार्क क्यों डिक्लेयर कर दिया है। तो इन सब के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सी हियर पेज नंबर 50, वी विल स्टडी व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू से फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट का नाम आता है तो सबके दिमाग में क्या आता है, क्या होगा, आप खुद इमेजिन करो। फॉरेस्ट बोला मैंने, ट्रीज, बुशेस, क्लाइंबर्स, नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कलरफुल बर्ड्स एट्सेट्रा। इट इज़ अ कम्प्लीट वर्ल्ड इन इट्सेल्फ। अपने आप में ये एक पूरी दुनिया है। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। दे कंट्रोल द टेम्परेचर एंड रेनफॉल बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर। फॉरेस्ट जो हैं हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है, रिसोर्स है। ये हमें, हमारे जानवरों को और हमारे तरह तरह के प्लांट्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ये हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल को कंट्रोल करता है और हमें फ्रेश एयर देता है। अगर फॉरेस्ट ना होते तो हमारी लाइफ अलग ही होती, शायद होती ही ना। सिंस एजेस पीपल लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड हैव बीन यूजिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कई सालों से, पिछले एंशियंट ईयर्स ऑफ टाइम, जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। दीज पीपल आर नोन एज द ट्राइबल पीपल। इन्हें ही जंगल, जंगल में रहने वाले लोग कहते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल कहते हैं। दे आर लार्जली कंसनट्रेटेड अराउंड द फॉरेस्ट लैंड इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एट्सेट्रा। ये सब जो ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे नंबर में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज ट्राइबल्स क्लियर पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड सो वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स। शुरू में क्या हुआ, पहले तो जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें दिक्कत आ रही थी कि वो क्या खाएँ, क्या पकाएँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ जगह पर फॉरेस्ट की जगह को क्लियर करना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपनी सब्जियाँ और क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स। पेज नंबर 51 पर आ गए बेटा, ज़रा ध्यान से देखो। बैम्बू शूट्स, महुआ फ्लास एंड तेंदू लीव्स, ये सब वो खाते थे। दे ऑल्सो गेट फॉडर। फॉडर डू यू नो बेटा, फॉडर होता है एनिमल्स का खाना, कि एनिमल्स से हमें बहुत कुछ मिलता है तो उनको जीने के लिए भी खाना चाहिए होता है, तो उसे फॉडर बोलते हैं। For their cattle from the forest. The tribals are familiar with many medicinal plants growing in the forest. ये सब ना इसकी importance बता रहे हैं। ये पूरा paragraph importance है किसकी, forest की, कि forest से हमें क्या क्या मिल रहा है। पहले उन्हें खाने के लिए मिला सब कुछ, फिर उनके जानवरों के लिए फॉडर मिला, अब वो बता रहे हैं कि medicinal plants भी हमें forest से मिलते हैं। इसके अलावा वो honey collect करते हैं, gums, resins, dyes, ये सब हमें forest से मिलते हैं। दे बिल्ड देयर हाउसेज यूजिंग बैम्बू एंड वुड ऑफ द ट्रीज। वहीं के पेड़ों को काट काट कर जो लकड़ी मिलती है, बैम्बू मिलता है, उससे वो अपने घर बनाते हैं। बैम्बू इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स, उससे टोकरियाँ बनती हैं, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। दे मेक लीफ प्लेट्स और पत्तल्स यूजिंग लीव्स ऑफ बनियन और साल ट्रीज, और इन्हीं ट्रीज़ की हेल्प से वो जो आपने देखेंगे पत्ते वाली प्लेट होती है, उन्हें पत्तल्स भी कहा जाता है, तो वो भी बनाते हैं। द लीव्स आर जॉइंट बाई स्मॉल वुडन स्टिक्स, छोटी छोटी पत्ती पत्ती पत्तल बनाने के लिए स्टिक्स से उनको जोड़ा जाता है।
Besides these, they use clay and wood to make articles of daily use and decorative items. इसके अलावा वो क्ले और वुड का भी इस्तेमाल करते हैं जितनी भी हमारी सजावट की चीज़ें होती हैं या डेली यूज की चीज़ें होती हैं. बिफोर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट हैड फुल फ्रीडम टू यूज़ फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट. जब तक ब्रिटिश हमारे देश में नहीं आए थे तब तक लोगों को फुल इजाज़त थी, फुल फ्रीडम थी, फुल आज़ादी थी कि वो फॉरेस्ट लैंड में रह सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. पर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उनका ये राइट खींच लिया, ट्राइबल से स्नैच कर लिया एंड अलाउड कॉन्ट्रैक्टर्स टू यूज़ फॉरेस्ट फॉर कमर्शियल पर्पसेस. फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को ये जगह दे दी अपने कमर्शियल यूज़ के लिए. अब क्या होने लगा, लार्ज स्केल्स ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बड़े व्यापारी लोग थे, वो तो अपना बस फ़ायदा ही देखते थे हर जगह से, कहाँ से हमें फ़ायदा मिले. तो उन्होंने वो फॉरेस्ट लैंड को टिम्बर और माइनिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, उसका एक्सप्लोटेशन करना शुरू कर दिया. इतना शोषण हुआ और इतना रैपिडली हुआ कि जो फॉरेस्ट हैं वो कम होने शुरू हो गए, डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर. अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स लॉस देयर हैबिटेट्स एंड ट्राइबल्स लॉस देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. इसका क्या नतीजा हुआ, ऑब्वियसली जब हम एक चीज़ को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा. फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का घर ख़त्म हो गया, हैबिटेट नहीं रहा, जो ट्राइबल्स वहाँ रहते थे उनकी जीविका का साधन खत्म हो गया, लाइवलीहुड खत्म हो गया. दिस ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. तो जब आज़ादी मिली तब भी यही कुछ होता रहा, जिनके हाथ में ये सरकार आई उन्होंने भी यही कुछ चलाए रखा. फॉरेस्ट लैंड वर अलॉटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर वुड एंड फॉर द माइनिंग पर्पस. तो आगे ये नहीं कि ब्रिटिशर्स के राज में, बल्कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी यही कुछ होता रहा, माइनिंग या वुड पर्पस के लिए हमारे जंगल यूज़ होते रहे. तो द फास्ट डिप्लीटिंग फॉरेस्ट वर हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल. इस तरीके से जो फॉरेस्ट की डिप्लीशन हो रहा था उसकी वजह से ट्राइबल पीपल के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगा. एट दिस स्टेज एक्टिविस्ट फ्रॉम उत्तराखंड केम फॉरवर्ड टू सेव द फॉरेस्ट. अब एक्टिविस्ट कौन होते हैं, जितने भी सोशल काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें पता लगा कि फॉरेस्ट की लकड़ी टिम्बर माइनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही हैं, तो उन्होंने वो आगे आए उत्तराखंड के कुछ एक्टिविस्ट. तो देयर एफर्ट्स टू सेव द फॉरेस्ट थ्रू पीसफुल चिपको मूवमेंट. यू हैव नेवर हर्ड द नेम चिपको मूवमेंट. मैं भी आपको आगे फर्दर समझाऊंगी कि क्या है ये चिपको मूवमेंट. इस चिपको मूवमेंट की वजह से ही डीफॉरेस्टेशन की प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, वो स्टॉप हुआ. गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा ये फॉरेस्ट डीफॉरेस्टेशन करना. डीफॉरेस्टेशन क्या होता है बेटा, डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज. रैपिडली जब हम पेड़ों को काटते चले जाते हैं तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे. जंगल ख़त्म मतलब डीफॉरेस्टेशन. तो चिपको मूवमेंट के बाद ये जो है हमारा कम होना शुरू हुआ. अब एक ये पीछे पैराग्राफ डू यू नो रह गया था, इसको देखेंगे बेटा. इंडियंस हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज सिंस टाइम इमेमोरियल. इमेमोरियल का मतलब होता है एंशियंट टाइम, बहुत पुराने सालों से जो हमारा इंडियंस भारतीय लोग हैं वो ट्रीज़ की पूजा कर रहे हैं. गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव बीन एसोसिएटेड विद डिफरेंट ट्रीज लाइक बेल एंड रुद्राक्ष टू लॉर्ड शिवा. अलग अलग पेड़, अलग अलग बेल, अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग भगवान को रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे बेल और रुद्राक्ष शिवा को करती हैं, पीपल विष्णु को करते हैं, मैंगो हनुमान जी को करते हैं, अशोका कामदेव को करते हैं. बनियन ट्री टू द ट्री गॉड्स लॉर्ड विष्णु लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा. सम अदर ट्रीज लाइक बनाना कोकोनट सैंडलवुड एंड कदम आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेक्रेट. सेक्रेट क्या होता है, पवित्र माना गया है. हम इन पेड़ों की पूजा करते हैं, इनको अच्छा मानते हैं, पवित्र मानते हैं. कोकोनट हो चाहे सैंडलवुड हो, कदम हो या फिर बनाना. अब ये एक्टिविटी वन है, ज़रा ध्यान से देखो. वो कहते हैं ज़रा सोचो कि क्या होता अगर डीफॉरेस्टेशन या कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज का कट होता चला जाता, कंटिन्यू रहता. वाट वुड हैपन टू द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. जंगल में रहने वाले एनिमल्स का क्या होता. हाउ विल द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल बी अफेक्टेड. वहाँ के जो जंगली लोग थे या ट्राइबल पीपल थे वो उनको कैसा अफेक्ट
करते इसकी वजह से. व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों पर इसका क्या इफेक्ट होता. नाउ पेज 52. अभी मैं आपको चिपको मूवमेंट पिछले पेज पे पढ़ा रही थी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. चिपको मूवमेंट का मतलब होता है हगिंग ट्रीज टू सेव देम. हगिंग ट्रीज मतलब चिपक गए थे वो लोग पेड़ों को बचाने के लिए. क्या हुआ था, एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे. ये 1970s में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था. इट वॉज एन एफर्ट टू सेव फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर. ये एक एफर्ट था पेड़ों को बचाने का. जो कॉन्ट्रैक्टर्स मैंने आपको बताया ना, पहले आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स कर रहे थे और आज़ादी के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स जो देश की सरकार थी उनके कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए थे और वो कर रहे थे. मैनी पीपल ऑफ द रीजन मेनली वुमेन ज्वाइंट दिस मूवमेंट. इसको बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, मेनली औरतों ने भी किया. द मूवमेंट वॉज लेड बाय मैनी एक्टिविस्ट मेनली सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी. ये तीनों की फ़ोटो है नीचे देखो ज़रा. चंदी प्रसाद भट्ट विद द लोकल पीपल, सुंदरलाल बहुगुणा एंड गौरा देवी. इन तीनों का मेन एफर्ट्स रहा. ये एक्टिविस्ट थे, सोशल काम करने वालों के. दीज पीपल वर सक्सेसफुल इन लीडिंग द मूवमेंट एंड फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू पुट अ बैन ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन दिस एरिया. यहाँ के एरिया पर बैन हो जाए पूरी तरीके से, पेड़ ना कटें, इसके लिए उन्होंने पूरी मदद की. इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट पीपल ऑफ कर्नाटका ऑल्सो लॉन्च अ पैरेलल मूवमेंट द एपिको मूवमेंट. तो उत्तराखंड में तो ये शुरू हुआ, कर्नाटका में जो शुरू हुआ उसको एपिको मूवमेंट कहते थे. विद द हेल्प ऑफ पंदुरंग हेच टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के जंगलों को बचाने के लिए. अच्छा, अब चिपको मूवमेंट में आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. चिपको मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, अभी ऊपर बताया 1730 में स्टार्ट हुआ बिश्नोई सोसाइटी इन खेजरी. खेजरी वहाँ के पेड़ों का नाम था. ये सोसाइटी है खेजरली, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान. महाराजा ऑफ जोधपुर हैड ऑर्डर्ड द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. वहाँ के राजा ने पेड़ों को काटने का ऑर्डर दे दिया. एक ब्रेव लेडी अमृता देवी अलोंग विद अदर पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ट्राई टू स्टॉप द सोल्जर्स फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज बाय हगिंग द खेजरी. जैसे ही उनके महाराजा के जो सिपाही थे सोल्जर थे वो कट करने आए, तो अमृता देवी जो कि एक बहुत ही ब्रेव लेडी थी वो अपनी कुछ और फ्रेंड्स के साथ या कुछ और वहाँ की कम्युनिटी के लोगों के साथ आई और उन्होंने खेजरी ट्रीज के साथ हग कर लिया. हग करना क्या मतलब, चिपक गए वो. इन ऑर्डर टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द महाराजा द सोल्जर्स कट डाउन द पीपल. बट लोग, महाराजा का ऑर्डर था कि कट डाउन करना है, तो उन्होंने आप देखा ना ताप देखा, और वो भी मरने को तैयार, वो भी मारने को तैयार, उन्होंने कट करना शुरू कर दिया. तो महाराजा ऑफ जोधपुर वॉज टच्ड बाय सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल. जब महाराजा को पता चला कि वहाँ के लोगों ने अपनी लाइफ को त्याग कर दिया है पेड़ों को बचाने के लिए, तो वो बहुत ही उनको फील हुआ, टच कर गई उनको ये बात. ही अश्योर्ड द पीपल दैट इन फ्यूचर नोबडी विल एवर थिंक ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो उन्होंने प्रॉमिस किया, कि अश्योरेंस दी लोगों की कि आज के बाद कभी हम ट्रीज को नहीं कट करेंगे. दिस इज़ हाउ बिश्नोई पीपल सेव देयर ट्रीज. किस तरीके से बिश्नोई लोगों ने ट्रीज को बचाया. एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द करेजियस अमृता देवी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ ईयरली अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड. इसके बाद से ही अमृता देवी के नाम पर एक अवार्ड शुरू किया गया जिसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड. अब कोई भी जो लोग पेड़ों को बचाने के लिए कुछ भी हेल्प करते हैं, किसी तरीके से भी कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है. फॉर द पर्सन हु हैज़ शोन एग्जेम्पलरी करेज एंड वेलर और हैज़ डन एग्जेम्पलरी वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री. देश की वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा, एग्जाम्पल बनेगा, अपना करेज दिखाएगा, उनको ये इनाम, ये अवार्ड दिया जाता है, जाता रहेगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आज के लिए इतना ही, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ओके बाय. आप इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.